नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया में। हम बात करेंगे आज बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के बारे में। यहाँ पर जो भी हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, आखिर उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो आइए, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। ये जो बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? भूमिका, सबसे पहले 5 अगस्त को इसके लिए याद करना होगा। 5 अगस्त वो दिन जब शेख हसीना इस्तीफा दे रही हैं, वहाँ से भारत चली आ रही हैं। उस दिन अखबारों की, टीवी की सुर्खियाँ बनी अमेरिका का वो स्टेटमेंट जिसमें उसने साफ लिखा था कि अंतरिम सरकार का स्वागत है। शुरू से ही देखा जाए तो शेख हसीना सरकार को अमेरिका लाइक नहीं करता है, और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि अमेरिका खुद का उसमें हित देखता है कि नहीं, शेख हसीना सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अपने हित इसमें सद नहीं रहे थे। CIA ने भी देखा जाए तो विपक्ष का साथ दिया शेख हसीना सरकार को हटाने के लिए। उसके अलावा शेख हसीना के बेटे ने भी साफ तौर पर कहा कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और CIA का हाथ है। इसके बाद देखा जाए तो इसके बारे में मई में ही शेख हसीना ने इशारा कर दिया था कि एक वाइट मैन है जो कि ये सब कुछ करा रहा है, उसको ये सारी चीज़ें पच नहीं रही। और वो वाइट मैन, उन्होंने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वाइट मैन वो कौन है? जो बाइडेन। अब सवाल उठता है कि क्यों ये सब करवा रहा है अमेरिका जी? अमेरिका की दिल्ली तमन्ना है कि वहाँ बांग्लादेश में एक मिलिट्री एयरबेस या मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश कीजिए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में चाइना बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन भारत और उसके आसपास के देशों में, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर आपको भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है जी। और इसीलिए वो चाहता है कि कम से कम बांग्लादेश जैसे गरीब राष्ट्र में, या वो जो विरोध दर्ज नहीं करा सकता, उस देश में एक मिलिट्री बेस हो, और वहाँ से वो पूरे भारत सहित भारत के आसपास के देशों पर भी नज़र बनाए रख सके और अपनी मनमानी वो कर सके। तो इसके लिए उसने किया क्या? आपको हाल में उसने स्टेटमेंट दिया था चुनाव के दौरान, जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहा था, तब से ये शेख हसीना उसकी आंखों की किरी थी, और उसने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव नहीं। इसके पीछे कारण क्या था? खालिदा जिया को लेके उसने इशारा किया कि कोई बड़ी पार्टी नहीं थी तो इस तरह से फेयर। पूरा का पूरा मामला क्या है कि खालिदा जिया चुनाव नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि उनको पता था कि वो जीतेंगे ही नहीं। शेख हसीना की बांग्लादेश में हवा थी, और सभी लोग देख रहे थे कि शेख हसीना ही जीत रही हैं, और बांग्लादेश में चुनाव से खालिदा जिया नहीं लड़ी तो क्या और पार्टियां खड़ी नहीं थी? फिर अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है कि फेयर एंड फ्री चुनाव नहीं हुए? देखिए, हमारे यहाँ नियम है कि घोषणा के बाद PM के को लेके कार्यवाहक PM के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर जो भी PM रहते हैं, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर उनको रखा जाता है। पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश, ऐसे देशों में क्या है कि जब चुनावी घोषणा होती है उसके तुरंत बाद नए PM को, किसी भी व्यक्ति को नए PM के तौर पर वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है, ताकि वो निष्पक्ष चुनाव के तौर नाम के तौर पर, भले चुनाव निष्पक्ष हो या ना हो, लेकिन मैसेज देने के लिए सही, या फिर जो भी उनके यहाँ का नियम है, तो उनको बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। और हुआ क्या कि इस बार हसीना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने तर्क दिया कि खालिदा जिया ने भी अपने समय में अंतरिम सरकार का गठन नहीं किया था, तो मैं भी नहीं करूंगी। और इसको लेके अमेरिका ने पूरा का पूरा मैसेज दे दिया। अच्छा, एक चीज और है, अमेरिका कुछ भी बोलता है तो भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, ऐसी ये जो आसपास ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जो कंट्री हैं, गरीब जो राष्ट्र हैं, वो ये सोचते हैं कि अरे अमेरिका का स्टेटमेंट है, अब किसी को बोलने या कहने की जरूरत क्या है, अमेरिका ने कह दिया तो वो लक्ष्मण रेखा हो गया। और ये
मैसेज जैसे उसने दिया कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए बांग्लादेश में या नहीं हो रहा है, तो ये मैसेज बांग्लादेशियों के बीच में, वहां की जनता के बीच में चला गया कि अमेरिका ने ये कह दिया तो बेगम सॉरी शेख हसीना ने चुनाव में गड़बड़ कर दिया। अब इस बीच में जो सबसे जो मेन चीज है उसमें क्या हुआ कि इसका फायदा उठाते हुए खालिदा जिया ने चुनाव नहीं लड़ा। अमेरिका का मैसेज था सो अलग, चुनाव खालिदा जिया नहीं लड़ रही है तो ये मैसेज होगा भाई कोई खड़ा ही नहीं हुआ ठीक से उनके उनको टक्कर देने के लिए, तो निष्पक्षता कहाँ रह गई। अब इन सब के बीच में क्या हुआ, अमेरिका ने इंडायरेक्टली एक तरह से धमकी दी कि अगर चुनाव लड़ना है सही तरीके से तो मिलिट्री एयरबेस या फिर जो मैं कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो हम सरकार शांति से नहीं चलने देंगे। और अमेरिका ने वो किया भी, और इसमें पूरा का पूरा जो देखा जाए एक तरह से तो अमेरिका की देखिए ये शुरू से नीति रही है। आप 1921 के वार को देख लीजिए, भारत पाकिस्तान में जब वार छिड़ा था तो वहां क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान के तरफ से वो जहाज भेज दे रहा है, रशिया नहीं उतरता तो और इंदिरा गांधी सख्त नहीं हुई होती तो वो पीछे नहीं हटता। अभी आप ईरान में देखिए, उसने इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है करियर उसको भेज दिया। तो ये चीजें जो शुरू से जो अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यूएस की ये शुरू से नीति रही है कि मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करो और देशों पर राज करो, उस पर नजर बनाए रखो। आज विश्व में लगभग 80 से 90 देशों में लगभग 170-180 एयरबेस अमेरिका के हैं, और उसको इस बात का दुख है कि भारत में उसने वो एयरबेस एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। और उसके आसपास के एरिया में मैंने बोला ना पाकिस्तान में चाइना का है जी, लेकिन यहाँ कहीं भी अमेरिका आसपास नहीं टिका पाया। और इसीलिए बार बार चाह रहा है कि बांग्लादेश के माध्यम से, गरीब राष्ट्र है बांग्लादेश, तो उसके माध्यम से वहाँ एयरबेस एस्टैब्लिश करके और सब पे नजर बनाए रखे। और इसके लिए जो उसने जो एक जो उसका आदमी है जिसका नाम है डोनाल्ड लू, वो पूरे मालदीव, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सारे देशों में उसको वो भेज भेज के पूरी पूरी निगरानी में उसको रखे हुए हैं, नजर बनाने के लिए उसने कह रखा है कि भाई तुम देखते रहो कहां क्या हो रहा है। मई में वही डोनाल्ड बांग्लादेश जाता है, वहां वो धमकी आता है देखा जाए तो भाई या तो मेरी बात सुन लो या फिर सरकार हम शांति से नहीं रहेंगे। मई के बाद फिर दोबारा वो बंदा जाता है, और इसके बाद अच्छा देखिए शेख हसीना चिंतित भी थी, उन्होंने बोला भी कि हमें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन किसी ने सुना नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसको किकरी अमेरिका को इसलिए भी इस बात की थी कि रसिया के माध्यम से जो तेल रसिया का है वो भारत के रास्ते बांग्लादेश गया, इसको ये भी आग लगी पड़ी थी अमेरिका को कि एक तो मेरी बात नहीं सुन रहा ऊपर दूसरे से मनमानी कर रहा है। आप देखिए अभी जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे रसिया, उसमें भी अमेरिका कितना बड़ा स्टेटमेंट हो, कह रहा है कि मैं मना करता रहा ठीक हो गए, लेकिन कम से कम इस मामले में ये अच्छा हो गया कि उन्होंने कोई वहां संधि नहीं की, मतलब वो ये मैसेज दे रहा है कि मैंने इशारा किया था ठीक है मेरी बात एक जगह नहीं माने वो गए, लेकिन वो उनको जाना था इसलिए गए, बट उन्होंने कोई संधि नहीं की। अब देखिए अमेरिका की दादागिरी देखिए वो कैसे दुनिया को मैसेज दे रहा है, और हमारे यहाँ की हो या आसपास जो एशियन कंट्रीज हैं, जो मैंने कहा भी कि डेवलप अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो इसको लेते हैं इस तौर पे कि अमेरिका कह रहा है, मतलब अमेरिका ने कह दिया तो वो लकीर बन। तो ये कई बार अच्छा एक चीज और है कि इसमें जो एक जो बड़ी जो डोनाल्ड लू ने जो खबरें भी आ रही हैं कि जो धमकी दी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो म्यांमार को और बांग्लादेश तुम्हारा हिस्से कुछ तोड़ के नया देश हम बना देंगे। उसने बांग्लादेश के इंपोर्ट को रोक दिया, कपड़े वगैरह जो सब सारा प्रतिबंध लगा दिया। तो कई तरीके से कितने महीनों से सालों से अगर देखा जाए तो अमेरिका ने बांग्लादेश को परेशान कर रखा था अपनी नीतियों से, अपने एक तरह से लोकतंत्र विरोधी नीतियों से उसने परेशान कर रखा था, और प्रेशर में उसने वो करके किया। आप बात बांग्लादेश की नहीं है, अमेरिका इंडिया के मामले में जो बोला था, ईरान को ही ले लीजिए, ईरान के में जो सॉरी पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान में जो इमरान सरकार के सांसदों की जो खरीद फरोख्त हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ को उसने सरकार बनाने के लिए, इसमें किसका हाथ है? नो डाउट अमेरिका का हाथ है।
उसने अपनी मनमानी कर ली। आप जो बांग्लादेश में जो भीड़ इकट्ठी है, आप देखिए हजार दो हजार लोगों को आप रसद, खाना, पानी, ट्रेवल वगैरह का वो करें तो कितने हजारों रुपए खर्च होंगे, करोड़ रुपए खर्च होंगे। बांग्लादेश देश में सब कैसे मैनेज हो रहा है, हथियार मैनेज हो रहा है, सड़कों पे जो लोगों का आना जाना भी, ये सब कुछ अमेरिका की तरफ से इशारे पे सब कुछ हो रहा है और अमेरिका कहीं कहीं इसको मैनेज कर रहा है। चाइना तो इसमें ज्यादा बदनाम है बेवजह, आईएसआई पाकिस्तान की बदनाम है, लेकिन जो रियल जो खेल खेल रहा है वो अमेरिका ही खेल खेल रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें डोनाल्ड लू को इसमें अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी इसकी भूमिका है, और डोनाल्ड लू ही, क्योंकि देखिए अमेरिका की ये शुरू से नीति रही है कि जो भी देश जिस देश में चाहता है कि वहां से उसके बड़े हित निकल के आ रहे हैं, वो उस देश के प्रति उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, उतना ही ज्यादा अमेरिका उसका बुरा करता है। और उसका अगर बांग्लादेश में हित सद रहा है एयरबेस के तौर पे और बांग्लादेश नहीं मान रहा है, तो वो उसके लिए उतना ही खतरनाक हो गया। अदरवाइज 5 अगस्त को शेख हसीना, आपको पता है 1 घंटे के अंदर वहां से भागना पड़ा। लास्ट में जो आर्मी चीफ है वहां का बोला कि 1 घंटा समय निकल जाइए यहां से, ढाका की तरफ जनता आ रही है, खतरा है आपको। बेटे ने भी बात की, जो उनकी बहन ने, रेहाना ने बात की, सारा को निकल के आया कि भाई जल्दी से यहां निकलने की जरूरत, फिर वो मौन होकर वहां से निकल गई। और 5 अगस्त को ही तुम स्वागत करते हो सरकार का, कोई भी देश, भारत हो या कोई भी देश, बोलने से पहले बच रहा है कि वैश्विक लड़ाई है ना ये, तो आपको क्या पड़ी भाई? आपको शेख हसीना सरकार से इतनी नफरत थी कि आप अंतरिम सरकार के स्वागत करने लगे। और जो सबसे जो बड़ी बात है, अमेरिका अगर जैसे हम कहते हैं कि भारत का थोड़ा सा हित चाहता है, नहीं, भारत पर कंट्रोल चाहता है। और जो हमें ऐसे लगता है कि सरकारें ऐसे गिर जाती हैं या सरकारें बन जाती हैं, नहीं, देखिए आप तय मानिए, ये वैश्विक लेवल पे आप जोर शोरों की धमकी को आप सुन चुकी हैं मोदी को लेके, तो जो सरकारें हैं वैश्विक जो सरकारें हैं पैसे और धन बल से बनती हैं। सोशल मीडिया उसमें मैनेज करना पड़ता है, अखबारों को, मीडिया को मैनेज करना पड़ता है, अखबार मीडिया के अन्य विंग को मैनेज करना पड़ता है, कोर को मैनेज करना पड़ता है, नेताओं को मैनेज करना पड़ता है, और पैसे के पैसे उसमें देने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। जॉर्ज सोरोस अगर ऐसा नहीं होता, जॉर्ज सोरोस ही पैसे के दम पे इतनी बड़ी बात क्यों बोल देता? और यही किया गया बांग्लादेश में, अमेरिका ने खूब पैसा वहां जारी किया, खूब पैसा भेजा और चीजों को अपने अनुसार उसको सेट किया, मैनिपुलेट किया। तो ये जो वेलकम कर रहे हैं ना सत्ता परिवर्तन का, ये पूरा का पूरा, और मैंने बताया अभी इसमें आपको, आप देखिए दूसरी चीज एक और है कि जो आप चाइना को लेके जो था कि हसीना जो तीस्ता परियोजना भारत को दी अगर, तो चीन नाराज हो गया, बाइडेन भी उसके पीछे पड़ गए थे, वो बहुत सारा कुछ उसमें ताना बुना है, बहुत सारा कुछ उसमें देखा जाए तो कारण है जिसके पीछे वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें शेख हसीना सरकार का वो विरोधी हो गया सत्ता हस्तांतरण का। यूएन, अब देखिए अमेरिका, अमेरिका तक बात नहीं है, यूएन को भी पकड़ के लाता है, भाई तुम भी चल के बोल, यूएन भी कह रहा है, आप कह रहे हैं कि नियम के अनुसार होना चाहिए सत्ता हस्तांतरण, एक चुनी हुई सरकार को आपने नियम तोड़ के मतलब वहां के पीएम को दरबदर कर दिया। आप कह रहे हैं कि यूएन की इसमें कि बांग्लादेश के में सत्ता हस्तांतरण का आह्वान कर रहा है यूएन, यूएन का जरूरत है? अब तो यूएन को आप चुनी सरकार को लेकर आप एक तरह से ये कहते हैं, आप उसको कहीं ना कहीं खारिज करते हैं और इसको आप समर्थन दे रहे हैं ना। तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो साजिश है अमेरिका की साजिश है, और इसमें कहीं ना कहीं शेख हसीना एक तरह से देखा जाए तो उनकी सरकार बेमौत मारी गई, सरकार गिरी। और देखिए स्थिति कल को और बदतर करेगा अमेरिका, इसमें पूरी की पूरी आने वाले समय में, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अमेरिका की दखलंदाजी बढ़ेगी। अब सब कुछ अमेरिका के सारे पे होगा, और आने वाले समय में अमेरिका यहाँ कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, और यहाँ से साउथ एशिया पे पूरी तरह निगाह भी बनाकर रखेगा, तो ये तय मान। ये बात सच है कि विश्व भर में जहां भी सरकारें गिरी हैं या गिराई जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ सामने आता है। हमारे इस डिस्कशन में भी इस बात को बहुत ही बारीकी से देखा गया है कि बांग्लादेश में अभी जो हालात हैं उसमें अमेरिका का कहीं ना कहीं हित छुपा हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। बाकी के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।